नमस्कार, सिटी पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वसीर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, आरजेडी के पूर्व सांसद शहाबुद्दीन ने ट्वीट करके अपनी मौत की खबर को अफवाह बताया है और लिखा है कि अभी हम जिंदा है, ऑक्सीजन लेवल थोड़ा कम है, आप सब दुआ करें, अल्लाह जल्द शिफा दे और आसान फरमाए। तो जैसे ही सुबह सुबह खबर आई थी कि शहाबुद्दीन की मौत हो गई है, शहाबुद्दीन अब इस दुनिया में नहीं है, कोरोना संक्रमित होने की वजह से उनकी हालत नाजुक बनी हुई थी और दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल में उनकी मृत्यु हो चुकी है, लेकिन उसके बाद जेल प्रशासन ने भी उनके मौत का की जो खबर है उसको खंडन किया और उसके बाद अब शहाबुद्दीन का खुद बयान आया है और बड़ा बयान आया है और कहा है कि अभी हम जिंदा है। तो बड़ा बयान आया है शहाबुद्दीन की तरफ से और खुद अपने मौत की जो खबर है उसको उन्होंने खंडन किया है। तो शहाबुद्दीन ट्वीट कर रहे हैं, आपको हम दिखा रहे हैं ट्वीट के माध्यम से कि शहाबुद्दीन खुद लिख रहे हैं कि अभी हम जिंदा हैं और उनके कार्यकर्ताओं में कहीं ना कहीं सुकून वाली खबर होगी क्योंकि आरजेडी में सुबह से ही शोक संवेदना व्यक्त किया जा रहा था। आरजेडी के कई नेता बयान जारी करके कह रहे थे, जीतनराम मांझी के जो नेता है वो कह रहे थे कि शहाबुद्दीन की मौत पर दुख जता रहे थे, लेकिन अब शहाबुद्दीन की तरफ से जब बयान आया है कि अभी उनकी मौत नहीं हुई है, अभी वो जिंदा है, तो कहीं ना कहीं सभी नेताओं में ये सुकून देने वाली खबर होगी। तो आपको हम लगातार ऐसी खबरों से अपडेट रख रहे हैं, आपको जैसे ही खबर कुछ आएगी, जैसे ही बड़ा अपडेट आएगा आप तक हम पहुंचाते रहेंगे। आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।